हेलो एवरीवन, दिस इज सेकंड वीडियो ऑफ चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। टुडे इन दिस वीडियो वी विल रीड अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड डिफरेंट मैकेनिज्म रिलेटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। फ्लावर जो होते हैं इसके अंदर जो फोर पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन एंड पिस्टिल। नाउ द स्टामेन, स्टामेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन और ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अपर पार्ट जो होता है जो लोब टू लोब्ड का रहता है एंड दिस इज कॉल्ड एंथर। और जो दूसरा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इट इज फिलामेंट। द स्वोलन टिप ऑफ स्टामेन, स्टामेन का जो स्वोलन टिप है जिसे हम एंथर कहते हैं, और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे फिलामेंट कहते हैं। एंथर के अंदर जो है वो छोटे छोटे येलो कलर के डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो है बनती है, दीज आर कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमिट्स बनते हैं। पोलन ग्रेन्स अपीयर एज अ येलो पाउडरी सब्सटेंस। नेक्स्ट इज पिस्टिल। पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑफ द प्लांट और इसमें तीन पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो सबसे ऊपर का टॉप स्टिकी पार्ट होता है, स्टाइल जो ट्यूब लाइक मिडिल पार्ट है, एंड ओवरी इज द स्वोलन पार्ट ऑफ द बॉटम पार्ट ऑफ द पिस्टिल। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स बनते हैं एंड ओव्यूल्स प्रोड्यूस फीमेल गैमिट्स। ईच ओव्यूल कंटेन ओनली वन फीमेल गैमिट और हम उसे एग कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स इन अ फ्लावर, फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, दीज आर यूनिसेक्सुअल एंड बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। द फ्लावर कंटेन विच कंटेन ओनली वन ऑर्गेन फॉर रिप्रोडक्शन, जैसे या तो केवल स्टामेन है या फिर केवल पिस्टिल है, तो हम उन्हें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स या इनकम्प्लीट फ्लावर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पपाया है, वाटरमेलन है, कुकम्बर है, इन सब में। सेकेंड है फ्लावर्स विच कंटेन बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन पिस्टिल एज वेल एज स्टामेन, हम उन्हें बाईसेक्सुअल या कंप्लीट फ्लावर्स कहते हैं, जैसे चाइना रोज है, मस्टर्ड है, ऐसे। तो बोथ द मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट्स। नाउ वी विल रीड व्हाट डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर देयर। फर्स्ट है पोलिनेशन। पोलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, हम इसे पोलिनेशन कहते हैं। और ये दो तरीके से हो सकते हैं, या तो सेल्फ हो सकता है या क्रॉस पोलिनेशन होता है। इन सेल्फ पोलिनेशन, जैसे आप इसमें देख पा रहे हो, पिक्चर में भी देख पा रहे हो, डेफिनेशन में भी, इसमें सेम फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा पर पहुँचते हैं, हम इसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन, व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑफ वन प्लांट आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम काइंड, इट इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। इसका मतलब क्या है कि फ्लावर जो होते हैं वो डिफरेंट प्लांट्स पर लगे हुए, यानी इसमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट सेपरेटेड हैं। पोलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ड्राइंग, उसको सूखने। पोलिनेशन ऑलवेज रिक्वायर सम एजेंट्स टू कैरी पोलन ग्रेन्स एंड रिलीज देम ऑन द स्टिग्मा, यानी पोलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक पहुँचाने के लिए क्या जरूरी है। हाउ दे गो फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, हाउ दिस ट्रांसफर इज डन, इसके लिए कुछ एजेंट्स की जरूरत होती है। एंड दीज एजेंट्स मे बी इंसेक्ट्स, मे बी बर्ड्स, अदर एनिमल्स, विंड, वाटर एट्सेट्रा। एज यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर, हियर पोलिनेशन इज डन बाय इंसेक्ट्स। ये कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे बीज है, बटरफ्लाइज है, मॉस है, वो कुछ फ्लावर्स का नेक्टर सक करने के लिए उनके ऊपर बैठते हैं। एंड द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर विल स्टिक टू देयर अपेंडेजेस, और जब ये जो है वो दूसरे किसी फ्लावर के ऊपर जाते हैं तो ये अपने पोलन ग्रेन्स जो होते हैं इनके जो अपेंडेजेस में जो पैरों में लगे हुए रहते हैं, दे विल रब्ड ऑफ, वे वहाँ उसको घिरा देते हैं। इन दिस मैनर दे हेल्प इन पोलिनेशन। द फ्लावर्स पोलिनेटेड बाई इंसेक्ट्स आर लार्ज, ब्राइट कलर्ड एंड स्वीट सेंटेड, क्योंकि ऐसे फ्लावर्स का ही जो है वो नेक्टर इस टाइप के इंसेक्ट्स तक किया करते हैं। सम फ्लावर्स कंटेन नेक्टर ऑल्सो।
नाउ पॉलिनेशन बाय विंड, विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उस टाइप के फ्लावर्स में अट्रैक्टिव सेपल्स और पेटल्स नहीं होते हैं। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर फाउंड इन प्लांट्स सच एज ग्रास, वीट, कॉर्न, शुगर कैन, राइस, मेज, इन सब में होते हैं। द ब्लोइंग विंड कैरीज मैच्योर पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। इसमें जो एंथर होते हैं वो फट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, उसके पोलन ग्रेन जो होते हैं वो एयर में आ जाते हैं और एयर जो होती है इसको एक जगह दूसरी जगह उड़ा के लेके जाती है। अब जो इन इन फ्लावर्स में जो स्टिग्मा होती है वो भी या तो लॉन्ग हेयरी या स्टिकी या फैदरी होती है और उसमें उसकी इस टाइप की स्टिग्मा पर जो पोलन ग्रेन्स हवा में उड़ते हुए आते हैं वो इजीली इसके ऊपर आके स्टिक हो जाते हैं। इन दिस मैनर दिस स्टिग्मा विल ट्रैप द पोलन ग्रेन्स और उसको जो है वो पोलन ग्रेन्स मिल जाते हैं। नाउ पोलिनेशन बाय वाटर, वाटर से जो पोलिनेशन होता है वो कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में होता है। दिस द पोलिनेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स इज जनरली डन बाय वाटर एंड द वाटर करंट कैरी मैच्योर पोलन grains from one flower to another and help in pollination. Pollination in aquatic plants such as Vallisneria, Hydrilla is carried out by water. Now artificial pollination, it is also done and how it is done we can see in this blue colored box here. Artificial pollination is a technique widely used to improve quality and quantity of crops. इस टाइप का जो पोलिनेशन है एक तरीके से क्रॉस पोलिनेशन है। इट इज़ परफॉर्म टू प्रोड्यूस वेरियस न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप्स हैविंग डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक हाई यील्ड, बेटर क्वालिटी ऑफ फ्लावर एंड सीड्स, डिजीज रेजिस्टेंस एंड हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। इन सब के लिए जो है आर्टिफिशियल पोलिनेशन करवाया जाता है। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, सबसे पहला तो सेलेक्शन है। इसमें सबसे पहले डिजायर्ड कैरेक्टर वाले मेल और फीमेल प्लांट्स को सेलेक्ट किया जाता है। सेकंड थिंग जो है थे अगर फ्लावर जो बाई सेक्सुअल है तो जो है वो स्टामेन को जो है वो हटा दिया जाएगा एक प्लांट में से एंड द फ्लावर विद पिस्टिल इज कवर्ड विद अ पेपर और पॉलीथीन बैग टू प्रिवेंट नेचुरल क्रॉस पोलिनेशन। नेचुरल क्रॉस पोलिनेशन को रोकने के लिए ये क्या किया जाएगा, इसके जो स्टामेंस होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं इन द बर्ड कंडीशन एंड दिस फ्लावर विद पिस्टिल इज कवर्ड विद अ पेपर और पॉलीथीन। पेपर और पॉलीथीन से क्यों कवर किया जाएगा, क्योंकि आसपास के किसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स आकर के क्रॉस पोलिनेशन न कर ले, उसके ऊपर न गिर जाए। नाउ पोलिनेशन हाउ इट इज डन, व्हेन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर मैच्योर हो जाती है तो पोलन ग्रेन्स जो तो फ्रॉम द स्टामेन ऑफ अनदर सेलेक्टेड प्लांट वहाँ से इकट्ठे किए जाते हैं डस्टेड ऑन द स्टिग्मा। दीज क्रॉस पोलिनेटेड फ्लावर्स आर अगेन कवर्ड विद मसलिन पेपर और पॉलीथीन बैग टिल फ्रूट्स एंड सीड्स आर प्रोड्यूस। तब तक हम वो दूसरा पोलिनेशन पोलन ग्रेन्स को इनके ऊपर नहीं गिरने देते जब तक इसके फ्रूट्स नहीं बन जाते। द सीड्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर आर्टिफिशियल पोलिनेशन गिव राइज टू न्यू वेराइटी। अब जो सीड्स बने उन वो जर्मिनेट होकर के जब नया प्लांट बनाएंगे और उसमें जो फ्रूट्स आएंगे वो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होंगे, दे आर बेटर क्वालिटी, हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स जो है वो प्रोड्यूसिंग सीड्स होते हैं। इन दिस मैनर आर्टिफिशियल पोलिनेशन इज डन। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक और नेक्स्ट मैकेनिज्म विच इज रिलेटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज फर्टिलाइजेशन। When a pollen grain falls on the stigma of a flower, तब हम कहते हैं pollination हो गया। After falling on the stigma, what will happen to these pollen grains? These pollen grains will germinate on the stigma. और वहाँ पर एक pollen tube बनती है और जिसके अंदर male gamete भी साथ साथ में मूव करते हैं। This pollen tube penetrates the stigma, passes through the style and enters into the ovule. The male gamete moves down to the ovule through the pollen tube. The tip of the pollen tube burst open and male gamete comes out of the pollen tube. जब ये ovule तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर ये जो pollen tube का जो टिप होता है एंड होता है वो फट जाएगा और इसमें जो male gamete है वो निकल करके आगे जाके ovule के अंदर प्रेजेंट एग सेल या फीमेल गैमेट जिसे हम कहते हैं उसके साथ फ्यूज होता है। दिस फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड।
In this manner, fertilization occurs. Now, formation of seeds and fruits. How seeds are produced, how fruit is formed. इसमें जो ओवरी होती है फ्लावर की, वो ओवरी जो है इट विल बी swells up, फूल जाएगी और जाता, एंड डेवलप टू फॉर्म द फ्रूट. एंड द फ्रूट इज एक्चुअली ripened ओवरी ऑफ अ फ्लावर. यानी जो ओवरी जो है आफ्टर मैच्योरिटी इट विल बिकम फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओनली. एंड द ovules प्रेजेंट इन एन ओवरी ग्रो टू बिकम सीड्स, एंड सीड्स कंटेन embryo और बेबी प्लांट एंड वन और टू कोटिलेडंस. जैसे जो मोनोकोटिलेडंस होते हैं, जैसे ग्रेन्स वगैरह है, मेज, राइस, वीट एट्सेट्रा, उनमें तो सिंगल कोटिलेडन होगा. और जैसे लाइक सम अदर प्लांट विच आर नॉन एज डाइकोट्स, जिनमें टैप रूट सिस्टम होता है, ऑल दीज डाइकोट्स लाइक ऑल पल्सेस, कैस्यू नट एट्सेट्रा, मैंगो, दीज विल कंटेन टू कोटिलेडंस इन द सीड्स. और उनके बीच में जो एक बेबी प्लांट होता है, देयर इज अ टॉप प्रोटेक्टिव कोटिंग अराउंड द सीड विच इज कॉल्ड सीड कॉट. नाउ द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर, जैसे कि स्टामेंस है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, दे विल ड्राई एंड फॉलो गिर जाएंगे. तो इसमें से ओवरी जो तो फ्रूट में कन्वर्ट होती है, पिस्टिल का जो ओवरी वाला पार्ट है, बाकी सारे पार्ट जो होते हैं फ्लावर के वो सूख करके गिर जाते हैं. केवल कुछ ही फ्रूट ऐसे होते हैं जिन पर सेपल्स जो होते हैं वो फ्रूट बनने के बाद भी जुड़े हुए रहते हैं, जैसे ब्रिंजल है, टोमेटो है ऐसे. सो एट द प्लेस ऑन द प्लांट वेयर वी हैड अ फ्लावर ओरिजिनली, वी नाउ हैव अ फ्रूट, एंड द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड. फ्रूट जो होते हैं सीड्स को प्रोटेक्ट करते रहते हैं. सम फ्रूट्स आर वेरी सॉफ्ट, फ्लेसी एंड स्वीट एंड जूसी, जैसे एप्पल है, मैंगो है, ऑरेंज है. बट सम फ्रूट्स आर हार्ड एंड वुडी, सच एज आमंड्स, वॉलनट्स एट्सेट्रा. इन दिस मैनर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स वी हैव. नाउ दीज सीड्स प्रिपेयर्ड ऑन अ प्लांट विल नॉट ग्रो नियर दैट प्लांट ओनली. ये सीड्स जो होते हैं वो एक प्लांट, जिस प्लांट के ऊपर बन रहे हैं यानी जो मदर प्लांट है, वहाँ से लार्ज एरिया में स्केटर होते हैं. हम इसे डिस्पर्सल कहते हैं. डिस्पर्सल मतलब स्केटरिंग ऑफ सीड्स ओवर अ लार्ज एरिया अवे फ्रॉम द मदर प्लांट बाय द एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. अभी जो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, आखिर जरूरत क्या है डिस्पर्सल की, क्यों उन्हें हम सारे सीड्स उसी मदर प्लांट के नीचे ही लगा दें. बिकॉज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स प्रिवेंट्स ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स इन एन एरिया. सेकंड है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स प्रिवेंट्स द कंपटीशन फॉर वाटर, मिनरल एंड सनलाइट अमंग द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स. आप जानते हो कि एक टाइप के प्लांट का जो रिक्वायरमेंट होता है फूड के लिए, मतलब न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर, मिनरल, सनलाइट के लिए, वो सेम होता है. तो अगर सेम टाइप के प्लांट एक ही जगह पे उग गए तो उनमें आपस में कॉम्पिटिशन होगा, तो उसे रोकने के लिए डिस्पर्सल जरूरी है. डिस्पर्सल ऑफ सीड्स हेल्प द प्लांट्स ग्रो इन न्यू प्लेसेस और न्यू एरियाज एज वेल. नाउ हाउ दिस डिस्पर्सल इज डन, दैट मीन्स व्हाट आर द एजेंट्स, किन के कारण डिस्पर्सल जो है वो हो सकता है. डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाय विंड, सबसे पहला एजेंट जो हम पढ़ रहे हैं वो है विंड के द्वारा. सर्टेन सीड्स हैव डेवलप्ड सेवरल एडेप्टिव फीचर्स विच हेल्प देम टू बी डिस्पर्स्ड बाय विंड. जैसे कि हम बात करते हैं सीड्स ऑफ ड्रम स्टिक प्लांट एंड मेपल प्लांट हैव विंग्स अटैच्ड टू देम सो दे कैन बी डिस्पर्स्ड बाय विंड सो फार अवे प्लेसेस. उसमें जो है वो जो ड्रम स्टिक के जो प्लांट हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, हियर हियर इन दिस पिक्चर विंग सीड ऑफ ड्रम स्टिक, इसमें जैसे विंग सीड ऑफ मेपल, दीज सीड्स विच कैन डिस्पर्स्ड विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल डिवाइसेस नोन एज विंग. एंड ऑल्सो द अदर सीड्स लाइक ऑफ मदार आग हेरी सीड्स एंड सीड्स ऑफ कॉटन ऑल्सो, बिकॉज इनमें छोटे छोटे जो हेयर प्रेजेंट रहते हैं कॉटन के अंदर, आप लोगों ने कभी देखा होगा इनको उड़ते हुए अपने आप ही उड़ करके आ जाते हैं ये इधर. तो दीज सीड्स हैव सम हेरी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन देम, जैसे वाइट कलर के हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है और वो एयर में इजीली उड़ सकते हैं. कुछ प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं दे आर वेरी लाइट इन वेट,
जैसे ग्रास है, ऑर्किड है, बिगोनिया है, तो उनका जो बहुत ही लाइट वेट और स्मॉल साइज के कारण भी वो विंड में उड़ सकते हैं। तो जो सीड्स जो होते हैं वो और फ्रूट्स जो होते हैं वो विंड के द्वारा डिस्पर्स्ड होते हैं। उसमें से सीड्स कैसे हो सकते हैं, या तो उनमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं जैसे ड्रम स्टिक और मैपल में होते हैं, या फिर जो है कुछ हेयर लाइक ग्रोथ हो सकती है जैसे कॉटन, मदार, इन सब में, डेंडिलियन में होते हैं। अदरवाइज दे मे बी अ वेरी स्मॉल साइज एंड लाइट वेटेड। नाउ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाय वाटर। वाटर के द्वारा जो सीड्स का या जो फ्रूट्स का डिस्पर्सल होता है वो कब हो सकता है, जब उनमें फ्लोटिंग एबिलिटी होती है, मतलब दे कैन फ्लोट ऑन द वाटर। और ये फ्लोट क्यों कर सकते हैं, ड्यू टू स्पॉन्जी और फाइब्रस आउटर कोट, स्पॉन्जी या फाइब्रस आउटर कोट। फॉर एग्जाम्पल द कोकोनट फ्रूट जो हैव अ थिक फाइब्रस आउटर कोट विच एनेबल देम टू फ्लोट इन वाटर एंड इज कैरीड अवे बाई फ्लोटिंग वाटर टू फार ऑफ प्लेसेस। द सीड्स ऑफ वाटर लिली प्लांट एंड लोटस प्लांट हैव अ स्पॉन्जी आउटर कोट विच अलाउ देम टू फ्लोट इन वाटर एंड मूव टू अदर प्लेसेस अलोंग विद द वाटर करंट। Now we will read how seeds and fruits are dispersed by different animals. Animals के द्वारा जो seeds या जो fruits का dispersal होता है उसमें कुछ sticky या कुछ hook-like structure present होती है। जैसे some fruits develop hook on their surface by which they get attached to the fur of the animals। या फिर जैसे human beings की हम बात करते हैं, उन claws वगैरह में जो है वो अटक जाते हैं, चिपक जाते हैं ड्यू टू देयर स्पाइनी स्ट्रक्चर। जैसे कि हम बात करते हैं फ्रूट ऑफ गोखरू, जेंथियम, यूरिना आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल ड्यू टू देयर हुक्ड सर्फेसेस। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, यहाँ पर कुछ जो फ्रूट्स जो दिख रहे हैं गोखरू के और जेंथियम के, इसमें कुछ कांटे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इजीली स्टिक टू द बॉडी ऑफ द एनिमल्स, या फिर जो हमारे क्लॉथ्स में भी कभी कभी आपने इनको नोटिस किया होगा, तो ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं दे ईट सीड्स अलोंग विद द फ्रूट्स, और ये जो सीड्स होते हैं वो उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, दे रिमेन अनडाइजेस्टेड, और उनका जो फीकल मैटर होता है उसके साथ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के साथ वो इन सीड्स को भी रिलीज कर देते हैं, दे विल पास आउट, और वो सीड जो है किसी दूसरी जगह पे जाके गिर जाते हैं। एंड दे व्हेन दे गेट सूटेबल कंडीशंस, तो फेवरेबल कंडीशन जब उन्हें मिलती हैं तो दे कैन जर्मिनेट देयर। इन दिस मैनर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इज डन बाय एनिमल्स। नाउ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एन एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म। एक्सप्लोजिव मतलब एकदम जैसे पॉड्स वगैरह होती है कुछ प्लांट्स में, उसमें क्या होता है आफ्टर मैच्योरिटी वो जो सूख जाएगी और वो एकदम बर्स्ट होती है, एकदम एक्सप्लोजन के साथ वो पॉड जो होती है वो फट जाती है, और उसके अंदर जो सीड्स होते हैं दे विल स्केटर इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टू फार अदर प्लेसेस। सो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इन प्लांट लाइक बालसम, कैस्टर, पी, जेरेनियम टेक्स प्लेस बाय एक्सप्लोजन ऑफ देयर फ्रूट्स। नाउ अनदर मैकेनिज्म विच इज सोन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जब सीड्स को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, यानी कि वाटर और मॉइस्चर एंड एयर, ऑक्सीजन एंड वार्मथ फ्रॉम द सनलाइट, देन दे कैन जर्मिनेट। सो द प्रोसेस इन विच अ सीड बिगिन टू ग्रो इन टू बेबी प्लांट वैन फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड। जब हम किसी सीड को जमीन में बो देते हैं तो उसे मॉइस्ट सॉइल मिलती है, क्योंकि जमीन गीली होती है, पानी होता है उसमें अंदर। सीड जो होते हैं सोक अप वाटर एंड सॉइल, फूल जाता है। द सीड कोट स्प्लिट, जब फूलता है सीड तो वो क्या होगा, उसका जो सीड कोट होता है वो खुल जाएगा, और जो उसमें से रेडिकल जो होता है सबसे पहले बाहर आता है, और जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो रेडिकल जो है वो डाउनवर्ड जो है नीचे की तरफ आगे बढ़ने लगता है एंड फॉर्मिंग द न्यू रूट सिस्टम। शॉर्टली द प्ल्यूमिल जो आगे ऊपर सूट सिस्टम बनाएगा वो बाहर निकलता है एंड कम आउट ऑफ द सॉयल टू फॉर्म न्यू सूट। द ग्रीन लीव डेवलप इन द सूट एंड दे आर एबल टू यूटिलाइज द सनलाइट टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब तक सीड जर्मिनेट नहीं होता तब तक सीड के अंदर प्रेजेंट फूड ही जो है उसको न्यूट्रेंट जो है वो प्रोवाइड करवाता है, लेकिन अब जब वो बाहर आ गया अब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो चुका है, नाउ इट विल प्रिपेयर और मेक इट्स ओन फूड। द सीडलिंग ग्रोज फर्दर एंड अल्टीमेटली
फॉर्म्स अ न्यू प्लांट. अभी जो आगे ऊपर बड़ा होकर के ये नया प्लांट जो है वो बना देता है. आफ्टर सर्टेन पीरियड द प्लांट बियर्स फ्लावर्स. उसके बाद जो है प्लांट जो बड़ा हो जाएगा फिर से जो है वो उसके ऊपर फ्लावर्स जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं. अप टू दिस इन दिस चैप्टर वी हैव रेड अबाउट बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सोन बाई प्लांट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब इस पूरे चैप्टर के आधार पे हम दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं. फर्स्ट हम बात करते हैं, फर्स्ट जो पैरामीटर हम ले रहे हैं दैट इज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट. यानी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें ओनली वन पेरेंट जो इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उस उनके जो दोनों पेरेंट्स होते हैं इसमें एक मेल और एक फीमेल होता है. सेकेंड है इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी टाइप के कोई गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कोई गैमेट्स नहीं बनते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दो टाइप के गैमेट्स बनते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है. नाउ द थर्ड इज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीड्स. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता, नो सीड्स आर प्रोड्यूस्ड, प्लांट्स आर ऑब्टेंड विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नया प्लांट जर्मिनेट होगा वो सीड्स से ही होगा. प्लांट्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम एग्जिस्टिंग पेरेंट थ्रू सीड्स. नाउ द फोर्थ पैरामीटर विच वी आर टेकिंग फॉर डिफ्रेंशिएशन इज सिमिलरिटी टू द पेरेंट प्लांट. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू बॉर्न प्लांट होता है एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट प्लांट के, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू बॉर्न प्लांट्स आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट. दिस इज द कॉन्सेप्ट मैप फॉर रिविजन ऑफ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. इन दिस चैप्टर वी रेड अबाउट टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन सोन बाय प्लांट्स, दीज वर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो न्यू प्लांट्स बनते हैं दे आर फॉर्म्ड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट इज डन बाई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. नाउ इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी रेड हियर इन दिस चैप्टर अबाउट फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. एंड दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज ऑफ फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो प्लांट बॉडी के जो पेरेंट प्लांट बॉडी होती है उसके ब्रेकिंग डाउन के कारण बनता है, फॉर एग्जाम्पल इन स्पायर वगैरह. स्पोर फॉर्मेशन जो मोसेस और फंस में होता है जिनमें स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं एंड व्हेन दे गेट फेवरेबल कंडीशंस दे विल ग्रो. एंड नाउ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट के अलावा जो अदर पार्ट्स है लाइक रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स एट्सेट्रा, उनसे जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. और जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो स्टेम के थ्रू हो सकता है, रूट्स के थ्रू हो सकता है, ये नेचुरली भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो नेचुरली जो हमने पढ़ा वो स्टेम और रूट्स के थ्रू और लीव्स के थ्रू पढ़ा, और जो आर्टिफिशियल है उसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स जो हमने लिए दीज वर कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर. इन सब मेथड से जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो आर्टिफिशियली करवाया जाता है. नाउ व्हाट कैन बी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये क्विक मेथड है और इजी मेथड है. इससे जो है वो जो नया जो प्लांट है वो जल्दी मिल सकता है. प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट. और तीसरा जो है वो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो सीडलेस होते हैं जिनमें बीज नहीं उग पाते हैं, या बीज होते भी हैं तो इतने ज़्यादा जो है वो पोटेंशियल नहीं होते कि हम जो है उनसे नया प्लांट उगा सकें. तो इस टाइप के प्लांट्स को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड से नया प्लांट उगाया जा सकता है. नाउ सम डिसएडवांटेजेस आर ऑल्सो ऑफ दिस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. सबसे पहला, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कैन नॉट बी स्टोर्ड. हम उसे डायरेक्टली जैसे सीड को स्टोर करके रख सकते हैं, इसको नहीं रख सकते. प्लांट्स आर अनेबल टू अडेप्ट इन चेंजिंग एनवायरमेंट, क्योंकि उसमें जो है वो जो वेरिएशंस नहीं आते, वेरिएशंस नहीं आते तो उसमें जो है वो फेवरेबल जो फीचर्स आने चाहिए, जो एडेप्टेशंस आने चाहिए प्लांट के अंदर वो नहीं होते. नाउ द थर्ड, डिजीजेज ऑफ पेरेंट प्लांट वो जो है वो डॉटर प्लांट्स में डेफिनेटली ट्रांसफ़र हो जाती हैं, क्योंकि इसमें कोई म्यूटेशन, कोई चेंजेस, कोई एडेप्टेशंस नहीं मिल पाता है.
Now the next type of reproduction जो हम plants में पढ़ा था that is of sexual reproduction. और sexual reproduction जो होता है वो flowering plants में होता है because flower is the reproductive organ, reproductive part of the plant. हमने vegetative और reproductive दो टाइप के parts पढ़े थे, उसमें flower जो होता है वो plant का reproductive part होता है. And in a flower there are four parts. इसमें जो है वो sepals, petals, stamen और पिस्टिल होता है. इनमें से जो स्टामेन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है फ्लावर का, एंड जो पिस्टिल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है. इन स्टामेन देर आर अगेन टू पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट. एंथर के अंदर मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें पोलन ग्रेन्स कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो पिस्टिल होता है देर आर थ्री पार्ट्स इन इट. दीज आर ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. इन द ओवरी ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस, जिसके अंदर एग्स सेल्स बनती है जो फीमेल गैमेट होता है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स फ्लावर्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, बाईसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल का मतलब ये है कि उसमें दोनों में से कोई एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होगा इन द फ्लावर, इधर दे विल हैव स्टामेन और पिस्टिल. और जो बाईसेक्सुअल फ्लावर होता है दे विल कंटेन बोथ स्टामेन एंड पिस्टिल. Now, these pollen grains are transferred from anther to stigma, and this process is called pollination. Pollination is of two types, cell pollination and cross pollination. Cell pollination जो होगा वो सेम उसी फ्लावर के anther से pollen grains का stigma पर ट्रांसफर होता है, but in cross pollination जो सेम काइंड के जो प्लांट्स होते हैं उसमें एक प्लांट के एंथर के पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं. नाउ दिस पोलिनेशन कैन अकर, दैट मीन्स क्रॉस पोलिनेशन कैन अकर थ्रू डिफरेंट एजेंट्स. दीज आर लाइक विंड, वाटर, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स एज वेल. नाउ आफ्टर पोलिनेशन जब मेल गैमेट स्टिग्मा तक पहुँच गया पोलन ग्रेन्स के साथ, तो उसमें से वो पोलन ग्रेन वहाँ जर्मिनेट होते हैं और वो एक पोलन ट्यूब बनाते हैं. इन दिस पोलन ट्यूब मेल गैमेट्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो देयर एंड दे विल रीच टू द ओव्यूल्स. ओव्यूल्स के पास जाने के बाद जो पोलन ट्यूब होती है इट विल बर्स्ट और उसमें से मेल गैमेट निकल करके फीमेल गैमेट के साथ जो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है उस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाते हैं. एंड दिस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन अ सिंगल सेल जाइगोट विल फॉर्म और हर ओव्यूल में जो है वो एक जाइगोट बन जाता है. और अब जो है वो फ्रूट बनने की बारी आ गई है. नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी होती है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है और जो ओव्यूल्स होते हैं दे विल टर्न इन टू सीड्स. इन सीड्स को जमीन में बो देने से ये वापस जर्मिनेट होते हैं जब फेवरेबल कंडीशन इनको मिलती है, वाटर, एयर और फेवरेबल वार्मथ यानी टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर जब उनको मिल जाता है तो इन फेवरेबल कंडीशन दीज सीड्स विल जर्मिनेट और इन जर्मिनेशन से जो है वो नया प्लांट बनता है. दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी रेड इन दिस चैप्टर. थैंक यू.